जय बद्री विशाल। और ये है मंदिर का बाहरी परिसर। तो यह नीचे है तप्त कुंड, इस तरफ बर्फ से भी ठंडी अलकनंदा, और ठीक पास में ये सारे तप्त कुंड है। वहाँ ऊपर ग्लेशियर से देखिए अलकनंदा बहती हुई आ रही है। सुबह के 4:30 बजे और अब हम भगवान बद्री विशाल के दर्शन हेतु जा रहे हैं। रात्रि को हम स्वामी नारायण आश्रम में रुके थे और यह है स्वामी नारायण का मंदिर। मंदिर अभी निर्माणाधीन है, मगर आसपास बिल्डिंगें बन गई या शायद कोई आश्रम लिया होगा जिसका रिनोवेशन कर रहे हैं ये लोग। बद्रीनाथ में प्रवेश करते हैं तो सर्वप्रथम ही बस स्टैंड आता है, और बस स्टैंड के पीछे ही ये स्वामी नारायण मंदिर। और ये रास्ता बद्रीनाथ धाम को जाता है। चलो जय बद्री विशाल। स्वामी नारायण मंदिर से कोई 300-400 मीटर आते तो ये रास्ते में आता है नीलकंठ सदन, और यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर है भगवान बद्री विशाल का मंदिर। बद्रीनाथ में आते हैं तो रुकने के लिए धर्मशाला या आश्रम बहुत सारे, जो कि बहुत ही रीजनेबल रेट में रहने के लिए रूमें अवेलेबल कर देता है। और ये है मानव कल्याण आश्रम। इस तरफ सामने देखिए भगवान बद्री विशाल का मंदिर। और इधर से देखिए ये अलकनंदा मैया बहती है बिल्कुल मंदिर के पास में। और यहाँ से हमें अलकनंदा मैया पर जो ये लोहे का ब्रिज बना है ये पार कर सामने भगवान बद्रीनाथ के मंदिर जाना है। और ये अपना मुख्य प्रवेश द्वार। जूते यहाँ उतारना है क्या? जय बद्री विशाल। अच्छे से खींचवाओ। जय भगवान बद्री विशाल। और इस तरफ गरुड़ देवता, दोनों तरफ गरुड़ देव है द्वारपाल के रूप में। अभी हम मंदिर के गर्भगृह में पहुंचने वाले हैं और अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, तो यहीं तक आपको दर्शन करवाते हैं। फिर मंदिर की परिक्रमा में बहुत सारे दूसरे मंदिर हैं, उनके दर्शन कर आगे बढ़ते हैं। यहाँ से दर्शन कर आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे मंदिर हैं। यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है, और इस तरफ माँ लक्ष्मी माता का मंदिर है। और यह है मंदिर का बाहरी परिसर। इस तरफ शंकराचार्य जी विराजमान है और भगवान बद्रीनाथ का एक मूर्ति यहाँ पर स्थापित है।
और इस तरफ भी हनुमान जी है। जय बजरंगबली। और इधर भगवान बद्रीनाथ है। और इस तरफ क्षेत्रपाल घंटाकर्ण जी का मंदिर है, आरोग्य के देवता। और इस तरफ छोटा सा यज्ञशाला है। और ये अपना एंट्री गेट है और ये एक्सिट गेट है। इधर से निकलना, इधर से कि इधर से भैया? गरम कुंड कहाँ पर है? गरम कुंड, तप्त कुंड कहाँ पर है? नहीं पता। नहाने का गरम कुंड कहाँ पर है? यहाँ पर ही है। ठीक है, देख लेते हो। मंदिर से बाहर निकलते तो इधर से एंट्री होती है, और इधर से बाहर निकलते तो यहाँ नीचे है तप्त कुंड, और कुछ मंदिरें भी है। चलो नीचे है तप्त कुंड। अलकनंदा मैया के किनारे पर ही है। और यहाँ पर है भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी। अरे भगवान, और यहाँ पर है आदि केदारेश्वर मंदिर। चलो नीचे। और ये है तप्त कुंड, जहाँ पर हमेशा गर्म पानी आता है, और इस तरफ पे महिलाओं के लिए, और ये दो कुंड है पुरुषों के लिए, और इसे नारद कुंड भी कहते हैं। नारद महाराज की मूर्ति है। और देखिए नहाने वालों की भीड़। तप्त कुंड में बहुत अच्छे से स्नान कर लिया, और तप्त कुंड का पानी बहुत गर्म है, इसलिए टेम्परेचर मेंटेन करके फिर अंदर उतरना पड़ता है। और देखिए प्रकृति का चमत्कार, इस तरफ बर्फ से भी ठंडी अलकनंदा, और ठीक पास में ये सारे तप्त कुंड है। ये भी तप्त कुंड है, इसमें भी लोग नहाते हैं। और यह है मैया अलकनंदा। देखिए आप बिल्कुल नजदीक से। कहाँ पर रखे अपने जूते, याद है? हाँ वाह। कुछ ही दिनों में गवर्नमेंट की तरफ से, मोदी जी की सहायता से बद्रीनाथ ऐसा होने वाला है। मंदिर से बाहर निकलते रास्ते में हमने केसर वाले दूध की दुकान देखी, और वहाँ से एक कुल्हड़ दूध पिया। देख कुल्हड़ दूध की कीमत थी 40 रुपये, मगर दूध बहुत ही स्वादिष्ट था। दूध पीकर हम आश्रम की तरफ बढ़े। और ऊपर वहाँ देखिए हिमालय, वैसे तो ये सारा हिमालय ही है, मगर ऊपर वहाँ बर्फ़ जमी हुई है।
ये सारा क्षेत्र हिमालय में ही आता है, मगर यहाँ पर शीतकालीन में और ज़्यादा बारिश होने पर बर्फ जमती है। और बद्रीनाथ में एक बात अच्छी है कि यहाँ पर बहुत सारे गुजराती धर्मशाला और आश्रम हैं, तो यात्रियों को रहने के लिए बहुत सस्ते रेट में कमरे मिल जाते हैं। सोनप्रयाग, गौरीकुंड और केदारनाथ की तरह लूटपाट नहीं है यहाँ पर।